जिला हाई स्कूल मैदान में हुए जागरण डांडिया नाइट में बॉलीवुड अभिनेता आफताब शिवदासानी ने शिरकत की। आफताब से मिलने को लेकर शहरवासी बेताब थे। जैसे ही उन्होंने मंच पर प्रवेश किया, शहरवासियों ने जोरदार तालियों और शोर मचाकर उनका अभिवादन किया। आफताब ने अपने अभिनय और प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। जब अभिनेता दर्शकों के हाथ से मोबाइल लेकर उनके साथ सेल्फी लेने लगे तो दर्शकों ने उन्हें मानिए सर पर बिठा लिया। लोग अपने चहेते अभिनेता के साथ सेल्फी लेकर उनके साथ इस पल को संजोने के लिए सभी बेकरार थे। वहीं मुनका राय ने जब मंच से ठुमके लगाए तो युवाओं में उमंग और उल्लास का ठिकाना ही नहीं रहा। उपस्थित दर्शक सभी मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगे। आफताब ने इस तरह के आयोजनों को तनाव भरी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर को लीची के रूप में जानते थे, यहाँ आकर लगा कि लोगों का व्यवहार भी उतना ही मीठा है। हाथों में डांडिया लिए हजारों की भीड़ में झूमते थिरकते शहरवासियों ने जमकर मस्ती की। ऐसा नजारा दिख रहा था मानिए जिला स्कूल मैदान में गुजरात उतर आया हो। भजनों की प्रस्तुति पर पहली से अंतिम पंक्ति तक लोगों में मस्ती छाई थी। डांडिया नाइट के दूसरे दिन आयोजन को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता थी कि शाम 6 बजे ही जिला स्कूल मैदान खचाखच भर गया। भोजपुरी से शुरू हुआ गीत ठुमकों का दौर गुजराती, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली भाषाओं के रास्ते विभिन्न भाषाओं का सफर करता रहा। अलग अलग पसंदीदा गानों पर मंच को लेकर मैदान में जो जहाँ था मुग्ध होकर झूम रहा था। कार्यालय का विधिवत शुभारंभ संगम आलमीरा के संजय कुमार, रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के निशांत रंजन और आसव हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथिगण ने कहा, दैनिक जागरण का ये आयोजन उत्सवी माहौल के बीच लोगों में उमंग भर देता है। ऐसे आयोजनों से सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनता है, साथ ही युवाओं को तनाव और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच मस्ती व उल्लास का माहौल देता है। उद्घाटन के लिए पारिवारिक कार्यक्रम का संबोधन दैनिक जागरण के स्थानीय आयोजन सांस्कृतिक सरोकार के संपादकीय प्रभारी ब्रजेश दुबे ने की। वह ब्रजेश दुबे ने कहा कि जागरण परिवार की ओर से मुजफ्फरपुर की जनता प्रति समाचार पत्र की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। अतिथियों का स्वागत विज्ञापन प्रबंधक अभितेंद्र प्रताप नारायण और धन्यवाद ज्ञापन दैनिक जागरण के महाप्रबंधक SN पाठक ने किया। उद्घोषक चंदन मिश्रा ने लगातार लोगों में उत्साह का संचार किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डिजिटल मीडिया पार्टनर मुजफ्फरपुर न्यूज से CEO प्रकाश सिन्हा का अहम सहयोग रहा। साथ ही टाइल्स स्पॉन्सर संगम अलमीरा से संजय कुमार, पावर्ड बाय रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, इन एसोसिएशन विद स्मार्ट इंडिया टाउनशिप से सावन पांडे, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर द लैंडमार्क होटल से MD मोहसिन रजा, हेल्प पार्टनर आसव हॉस्पिटल से डॉक्टर संजय कुमार, वहीं सपोर्टेड वाई में आनंद प्रेप पब्लिक स्कूल से रचित कुमार, ग्रीन मेपल से अमित कुमार। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इन प्रायोजकों का रहा सहयोग एवं अन्य के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम शुरू होगा, पीछे से नहीं आई, थोड़ा और पीछे। एक परिवार पारिवारिक जागरण परिवार की तरफ से मुजफ्फरपुर को यह पारिवारिक कार्यक्रम की भेंट है, जो कि हमारे सांस्कृतिक सरोकार से जुड़ी हुई है। नवरात्र के दिन है, मातृशक्ति है, हम मातृधाम। और सबसे बड़ी चीज है जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, खास तौर पे संजय जी संगम अलमीरा से, हेल्थ पार्टनर आसव हॉस्पिटल और पावर बाय रिपुराज जी संजय जी, सभी लोगों का तहे दिल से दैनिक जागरण परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सहयोग से ही हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डांडिया के इस कार्यक्रम को सजा पाए हैं। अब मैं आप लोगों के बीच में बाधा नहीं पड़ना चाहूंगा और जल्दी ही जाऊंगा कि आप लोग फुल एंजॉय, माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो डांडिया तो आज दो हजार को फुल एंजॉय करेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, थैंक यू। Now, we are for car gets ready. Electric coast, Priya Boy, Testament, Lanso, Lanso. अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।